कार्यकर्ता आ रहे हैं, यदि आप भी अपना कीमती समय निकाल कर आ जाते तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता। हाँ अश्विनी जी, परंतु उसी समय में दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सुंदर सिंह जी को फोन कर देता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है, और अगर टिकट की व्यवस्था हो जाती है तो मैं शाम तक आपको फोन करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। फेस की बात लो, बैठो, चेयर भूल जाओ, आ जाओ आगे। अरे वही बात है, ये गेट पीछे में आखिर पहले बैठने के बोलेंगे ना, बैठने के लिए बोला था आपने। बोल बोले कंटिन्यू आ चुप। आइए सचिंदर नाथ, बैठिए बैठिए। नमस्कार पंडित जी, ये कुछ आपने पत्र मंगवाए थे, सो मैं लेके आए हैं। ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया, मुझे इनकी बहुत आवश्यकता थी। यदि आप कहें तो मैं किसी टाइपिस्ट बुलवा के टाइप करवा दूं। बच्चे दम थोड़ा आखिर ऐसा
लिए मेरा मानना तो है कि जनता ही राजनीतिक राजनीतिक केवल की शुरुआत इसी से संतुलन अब सभी तो नहीं सत्ता के पास इसका जीता जाता पहले एक रजिस्टर करना मैम मैम पहले एक रजिस्टर करना उसको रेडी चलो साइलेंस अरे उसको भेजो आप बुलाओ उसको वो लड़की को भेजते हैं लड़की को बुलाओ एक्शन Good to see you, Anita Raji, after a long time. I know. How are you feeling to, for this film? Very nice. Feeling very nice. It's like reality. I've gone back in 1960s. Though I was born in 1960s, so again I'm from the 1960s. Feeling very nice. Tell me something about your role in that. Role is I'm playing, my name is Lata Khanna in the movie. And I'm Moon Bhuli Bhenu Deen Dayal Ji Ki. जो शायद की लाइफ में नहीं था क्या था उनका बताया नहीं था ना हाँ आखिरी बार जो है दीनदयाल उपाध्याय जी लता खन्ना के घर पे रुके थे लता खन्ना उनकी मोगोली बहन थी और जब मैडम को मैंने ये कैरेक्टर सुनाया तो पहले बोली कि जब तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा मैंने कहा कि लता खन्ना जो दीनदयाल है उनका मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझा हुआ जी तो उनकी कड़ी वहीं से शुरू होकर वहीं ख़त्म होती है तो आप सोच लीजिए कि पूरे फिल्म में मैडम केंद्रीय भूमिका में है और लता खन्ना खुद भी आरएसएस की कार्यकर्ता रही थी मैंने काफ़ी सारा चीज़ उनको बताया कि आप उस दौर के जो जनसंघ में कार्यकर्ता कैसे बिहेव करते थे थोड़ी इसमें सख्त हिंदी भी है हाँ, कुछ ज़्यादा ही सख्त मैडम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम हिंदी बोलते नहीं ऐसी घुड़ी हुई हिंदी और धीरज जी ने लिखा है ना तो वो ऐसी हिंदी होना ही 1960s का दौर है लखनऊ का दौर है तो उत्तर भारतीय ऐसे ही हिंदी बोलते हैं आज भी आप अगर इलाहाबाद लखनऊ वगैरह में जाएंगे तो आपको हिंदी में गंगा जमुनी नहीं पर सुनने में इतना अच्छा लगता है क्योंकि आदत नहीं है हम बॉम्बे वाले कहाँ ऐसी हिंदी बोलते हैं लेकिन जब डायलॉग जो दूसरे कहते हैं उनमें सुनने में इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है बस सुनते रहे इतनी अच्छी बोल रहे हैं आप हिंदी नहीं तो हम हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं हिंदी ना बोले ऐसी हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बायोपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और आप उसका ये किरदार निभा रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में थोड़ा अपना
मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल दीनदयाल बन गया हूँ। जो मुझे देखेंगे, मैं अगर मेकअप उतारूंगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल दीनदयाल हूँ। तो उसका यह है कि धीरज जी दी ने बहुत रिसर्च करके मटेरियल हमें दिया था, और फिर मैंने भी उनकी जीवनी पढ़ी थी, उनके बारे में, RSS के बारे में, जनसंघ के बारे में सारा पढ़ा मैंने, सब कुछ, सारी तैयारियाँ करी और कई चीज़ें समझ में भी आईं, कई भ्रांतियाँ दूर भी हुई मेरी। तो उस तरह मैं उस टाइम तो दीनदयाल ही हूँ। पान सिंह तोमर से और दीनदयाल उपाध्याय जी के, देखिए मेरा सौभाग्य ऐसा रहा है कि मुझे बहुत विभिन्न प्रकार के रोल करने का मौका मिला है। तो पान सिंह में एक डाकू था, तो जब वो फिल्म रिलीज हुई तो फिर किसी ने मुझे नहीं पहचाना। अब ये भाग्य है कि सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पान सिंह के बाद किसी ने मुझे ऐसे नहीं पहचान पाते थे लोग कि पान सिंह में आप कहाँ थे। मुझे लगता है दीनदयाल में भी यही होगा, लोग पूछेंगे दीनदयाल में आप कहाँ थे। तो ये तो धीरज जी का, मैं एक बात बताऊँ, बड़ा एक दिलचस्प वाक्य है। मैं बताने जा रहा था, आप बताइए। 10 साल पहले जब मैं स्क्रिप्ट कोऑर्डिनेटर था, तो ये हमारे प्रोडक्शन हाउस में आए थे, हमारी दोस्ती हुई, तब मैंने इनको कहा था कि मैं आपको हीरो एक दिन बनाऊंगा। अच्छा, और तब मैंने धीरज जी से कहा, मैंने धीरज जी कैसी बातें करते हैं आप। तो लेकिन धीरज जी ने अपना वादा पूरा किया, बल्कि ये अपना वादा इससे पहले भी पूरा करते करते रह गए थे। एक फिल्म और कर रहे थे जिसके अंदर इन्होंने मुझे हीरो लिया था, लेकिन वो फिल्म इन्होंने आगे कर दी, उससे पहले इन्होंने इसको शुरू करा। इसमें दो दीनदयाल है, निखिल जो है 20 से 30 साल वाली दीनदयाल के भूमिका में है, और इमरान जी 30 से लास्ट जो दीनदयाल है उनकी भूमिका में, और सिप्रा जी हैं फिल्म की, आप सूत्रधार कर सकते हैं कि वो पूरी फिल्म से शुरू होकर इसे करती है। और ये अभय शुक्ला जी हैं, उनको लोगों ने काफ़ी CID में देखा है, ये भी सूत्रधार की भूमिका में है। इनसे फिल्म शुरू होती है, ख़त्म होती है, और फिर बीच का जो सेंट्रल है सब आपके सामने है। और अपकमिंग फिल्म आपकी? अपकमिंग फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जल्दी बताऊंगा। धीरज जी की तो फिल्म बनाने की फैक्ट्री है, एक फिल्म चल रही होती है, उसके बाद उसी के दौरान ये दूसरी फिल्म अनाउंस कर देते हैं, एक फिल्म की रेकी के साथ दूसरी फिल्म की भी कर लेते हैं। तो ये बात तो मुझे पता है, इनकी पूरी फैक्ट्री है, आप देखिए ना, ये उनकी एक फिल्म ये कंप्लीट होने वाली है, इन्होंने दूसरी अनाउंस कर चुके हैं। इसके पर काम चला, लोकेशन भी देखा है, फरवरी मार्च में शुरू कर दी है। आपकी अपकमिंग? हाँ, मैं अभी ये तो एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, धनबाद ब्लूज, उसके अंदर पोल माफिया का मैं लीडर हूँ, मामू के नाम से कैरेक्टर है। और एक और वेब सीरीज़ है फैमिली, वो बॉम्बे के 5 डॉन्स के ऊपर है, तो उसमें से एक वन ऑफ द डॉन कर रहा हूँ। और मुगल्स करके एक सीरीज़ आ रही है, उसमें एक मुग़ल बादशाह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और ये धीरज जी की फिल्म है। इन्होंने बहुत अच्छी दाढ़ी बना के रखी थी, बहुत ख़तरनाक लुक था, वो लुक भी मैंने इनको सजेस्ट किया था। उसके बाद दीनदयाल के लिए इन्होंने जो है काफ़ी सेक्रीफाइस किया अपना, ख़तरनाक लुक हटा के। धीरज जी ने क्या है, मैंने धीरज जी ने मुझे दाढ़ी रखवा दी, उस दाढ़ी के रखवाते ही मेरे पास उस टाइप के कैरेक्टर्स की भरमार हो गई। अब वो इतना बिजी हो गया कि धीरज जी की फिल्म के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, धीरज जी ने दाढ़ी कटवाई, वो सारे काम रुकवाए, और इन्होंने ये अपनी फिल्म दीनदयाल शुरू करवाई। मैंने भी एक फिल्म की मॉरिशियस में, जो रोम कॉम है, इट्स अ कॉमेडी विद सिद्धार्थ कपूर शक्ति जी के बेटे और राज बब्बर जी के बेटे प्रतीक, नई लड़की है, अभी उसकी शूटिंग करके हम आए मॉरिशस, मूवी रिलीज है जनवरी, उसके बाद ये शुरू। दिवाली इज ऑलवेज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, विश एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल दिवाली, एंड बी केयरफुल वाइल बस्टिंग द क्रैकर्स, आराम से कीजिए और बहुत खुश रहिए। सबसे यादगार त्यौहार में से है, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि जो दिवाली मनाइए तो पटाखों को छोड़कर मनाइए, दीपों के साथ मनाइए, जो पारंपरिक दीपावली है, क्योंकि उससे प्रदूषण भी दूर होगा और हम सुरक्षित भी रह सकें। बिल्कुल सही, ये सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से।